लड़की इग्नोर कर रही है, लड़की भाव नहीं दे रही है। अब लड़की के पीछे आप जा जाके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो, मगर लड़की नोटिस नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यही बात आज के इस वीडियो में आपका भाई समझाने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने के बाद मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ जो वीडियो को आगे पीछे स्किप तो कर लेते हैं और उनके पास वो ज्ञान नहीं पहुंच पाता जो आपका भाई आपको समझा रहा होता है, और उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम पर वही कमेंट रिपीट करते हो और भाई दोबारा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं स्किप करने की बात आपको समझा देता हूँ कि स्किप ना करें। छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पे अपनी तरफ से एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए जानते हैं, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करे, भाव ना दे, तो उस सिचुएशन में ऐसा क्या करना चाहिए। पहले तो मैं फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि क्या उस लड़की को आप जानते हो या फिर नहीं जानते, क्योंकि दो सिचुएशन होती है ना, या तो आप उस लड़की को जान रहे हो या फिर उस लड़की को नहीं जानते। अब अगर कोई लड़की आपको जानती है तो अगर आपको इग्नोर कर रही है तो फ्रेंड देखो, इसका छोटा सा मैं आपको एक फैक्ट समझाता हूँ कि कई बार लड़की के सामने आप कोई ऐसी हरकतें कर देते हो जो कि लड़की को ना पसंद हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो भाई ये बात सुन लो। कई बार तो फ्रेंड लड़की को बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है ये सब करने में, कि मैं जानू तुझे कि ये लड़का मेरे पीछे कितना ज्यादा पागल है, ये लड़का कितना ज्यादा मेरे पीछे परेशान हो सकता है। इसके चलते भी लड़कियां इग्नोर करती है। जी हाँ मेरे भाई, सही सुना आपने, लड़कियां मजे भी कई बार आपको ले रही होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक ग्रुप में तीन चार लड़कियां होती है, उस लड़कियां में बातचीत चलती है कि तुझे पता है मेरे को तो पांच लड़कियों ने इग्नोर मारा, उसके पीछे तो देख ऐसा लट्टू हो गया ना मेरे पीछे वो लड़का। बगल वाली बोलती है कि तुझे पता है मेरे पीछे 10 लड़के लट्टू है। उसी को चेक करने के लिए लड़की कई बार आपकी फिड़की भी ले रही होती है। ठीक है भाई, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। और फ्रेंड सबसे अच्छा सिचुएशन तो ये होता है, आपके लिए बोनस पॉइंट होगा, कि लड़की अगर आपसे सेट होना चाहती है, इंप्रेस हो चुकी है, इसके चलते भी वो आपको इग्नोर कर रही है। इस तरीके से ये होगा कि आप उसे अपना पूरा अटेंशन दे दोगे, पूरा उसे नोटिस करोगे, और तो और लड़की ये बात चेक भी कर लेगी कि आप उसको पसंद करते हो या फिर नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको इग्नोर करने से अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आप उसे पसंद ही करते हो ना। वही चीज लड़की चेक करना चाहती है, बस आपको ये रियलाइज करवा रही है। समझ गए मेरे दोस्त। बात करते हैं अगले पॉइंट की, बात करते हैं इंस्टाग्राम की क्वेश्चन की। आप लोगों ने कहा कि सर मैं उस लड़की को नहीं जानता, पहले सर वो लड़की हल्के फुल्के मुझे लाइन देती थी, मुझे देखती थी, बट अब वो ऐसा नहीं कर रही है, इसका रीज़न क्या है। इसका मतलब यह है कि आपने बोनस पॉइंट को खो दिया, आपने एक अच्छा खासा मौका को गवा दिया। लड़की जब आपके इंतजार में थी कि अभी लड़का आएगा, मुझसे बात करेगा, मेरा नंबर लेगा, मेरे क्लोज आएगा, मतलब अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, लड़का मुझे समझाएगा कि मैं भी इसे पसंद करता हूँ, तो जाहिर सी बात है लड़की ने यह सब एक्सपेक्ट करके रखा था, मगर आपने फिर भी लल्लूपंती दिखाया। लड़की को लगा लड़का लल्लू है, इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, जो हिम्मत मैं ढूंढ रही हूँ, इसलिए लड़की ने बेस्ट लड़के को चुनना चाहा। ये भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब चलो बात करते हैं, अगर आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया या फिर नहीं भी किया है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखो यार, कई बार ये होता है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को इग्नोर कर रही हो तो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, लड़का खुश रहना छोड़ देता है, लड़का हंसना छोड़ देता है, इसके चलते लड़की और आपके मजे ले रही होती है। मगर आप अगर सिचुएशन में ये करते हो कि उसकी टेक्निक उसी पर मार देते हो तो लड़की यहाँ बेचैन हो सकती है, लड़की यहाँ पर पागल हो सकती है आपके लिए। कि मतलब जैसे कि आप उस लड़की के साथ जब बात करते हो तो हैप्पी रहते थे ना, कैसे आप खुश रहते थे, कैसे आप इधर से उधर घूमते थे, जो भी करते थे आप वैसे ही रहना स्टार्ट करिए। जी हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर मेरे भाई एक दिन फायदा नहीं होगा, दो दिन फायदा नहीं होगा, मगर तीसरे दिन फायदा जरूर होगा, या फिर हो सकता है इस बात को करने के लिए आपको टाइम भी लग जाए एक हफ्ते का। कुछ लड़की को दिखाइए कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लग गया हूं, तुम लाइफ में मेरे रहो या ना रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तुम मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ सकते तो मैं क्यों तुम्हारे लिए परेशान रहूं। जब आप ऐसा करोगे तो लड़की को कहीं ना कहीं ये बात चुभेगी कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया इस लड़के के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की आपके लिए बेचैन होगी कि जो लड़का मेरे पीछे इतना पागल था, मैं उसको देख नहीं थी तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह आ रहा था, इसका रीजन क्या है अब ऐसा जो वो नहीं आ रहा। आपके लिए थिंक्स करना, आपके लिए सोचना, 24 घंटे आपके बारे में खुद ख्याल में डूबे रहना, ये सब चलता रहेगा उसके माइंड में फ्रेंड। और साइकोलॉजिकल जब हम किसी के बारे में सोचते हैं अट्रैक्ट होते हैं उससे, ये बात तो आपके मैंने कई बार समझा रखा है। ठीक है, इस तरीके से उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ जाएगी और लड़की कहीं ना कहीं आपको माफ कर देगी एक तरह से बोला जाए तो। अगर आपको लगता है ऐसी कि आपकी गलती है तो माफ़ कर सकती है और आपके लाइफ में फिर से आना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार लड़की का सिचुएशन तो और ख़राब हो रहा है, वो तो गुस्से से दिख रही है मुझे, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की हमेशा के लिए मुझे ब्लॉक ही कर दी अपनी लाइफ से, तो उसे रियलाइज़ करवाइए कि बस आप इन दिनों थोड़े से बिजी थे। ऐसा नहीं था कि आप उसे अवॉइड कर रहे थे, बस थोड़े से बिजी था। अब ये बात आप चाहकर उसे बोल सकते हो, कह सकते हो कि यार ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें भुला रहा था, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, बस थोड़ा बिजी था अपनी लाइफ को लेकर के, मैं थोड़ा अपने करियर के बारे में सोच रहा था। लड़की इससे आपका और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लड़की पे खुश भी हो सकती है कि यार मतलब ये लड़का अपना फ्यूचर देख रहा है, वाओ ऐसा लड़का तो हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में। समझ रहे हो ना मेरे भाई।
इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे भाई, है ना। अब अगर आप ये सोचते हो कि सर मेरे को इतने भी करने में डर लग रहा है, फट रही है, क्योंकि सर वो लड़की को मैं जानता नहीं उतनी अच्छी तरीके से, तो मेरी बात सुन लो यार। वैसे भी तो लड़की को आप जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, आप तो बात करने से रहे नहीं उससे, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब सर मैं जब उस लड़की को इतनी अच्छी तरीके से जानता ही नहीं तो इससे मैं क्या बात करूंगा। तो नॉर्मली फ्रेंड आप उसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब एकदम सही तरीके से इग्नोर करना, वो जिस रास्ते से आती है आप उसको दिखा कर उसे इग्नोर करो कि वो रास्ता चेंज कर दो। जिस लड़की से वो बात करती है आप सभी उसके ग्रुप से बात करो, मगर सिर्फ जो उसकी ज्यादा क्लोज हो उससे बात मत करिएगा। ऐसा जब आप करोगे फ्रेंड तो लड़की का ईगो हर्ट हो जाएगा, और लड़की का जब ईगो हर्ट होगा ना उसी बीच में वो एक गलती कर बैठेगी जिसका आपका बहुत ही अच्छा फायदा उठ सकता है कि मेरे को तो इतने सारे लड़के तारते हैं बे, इतने खूबसूरत खूबसूरत लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो इस लड़के में ऐसा क्या है बे जो मुझे अवॉइड कर रहा है, रुक इससे मैं देखती हूँ, उसे बताती हूँ, रुक इससे मैं जब लाइन दूंगी ना तब इसको मैं सबक सिखाऊंगी। और जब वो आपको हंस के लाइन देना स्टार्ट करके फिर से आपके लाइफ में आना चाहिए, वही मौका आपको नहीं छोड़ना है, दिल से उसे जीत लेना भाई, देख लो कैसे नहीं वो आपके पीछे पड़ती है। तो ये तो कुछ फैक्ट, कुछ थे नुस्खे या प्रकार के कुछ ट्रिक थे जो कि आप इग्नोर करने लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर पसंद आया हो तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना भाई, और अगर इस वीडियो से कोई आपको प्रॉब्लम आ गई हो या फिर कोई बात करनी हो आपको तो इंस्टाग्राम पर हमें कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश104, ठीक है भाई। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पर एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा।